बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज 20 होल 2/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए यहाँ दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज 12 होल 2.2/5। यहाँ पर लिखेंगे the cost of 1 liter of milk कितना दिया है रुपीज 20 होल 2/5। हमको दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। यहां पर निकालेंगे, यहां दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क रुपीज 12 होल 2/5, यह दिया गया है और हमको बताना है 5 लीटर ऑफ मिल्क का प्राइस बताना है। इसमें यहां लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल, देखें यहां दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, अर्थात 1 लीटर दूध का मूल्य जो है 20 होल 2/5 रुपीस है। 1 लीटर दूध का मूल्य जो है इतने रुपए हैं, तो हमको ज्ञात करना है कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी 5 लीटर मिल्क का हमको जो है कॉस्ट बताना है, 5 लीटर मिल्क का हमको दाम बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या देख रहे हैं, जब 1 लीटर का मूल्य इतना है तो 5 लीटर का मूल्य क्या होगा, उससे अधिक होगा। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 होल 2/5 × 5, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जो 100 में 2 ऐड करेंगे तो 102/5 × 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में 5 दिया है, दोनों क्रॉस हो जाएगा, कितना आ गया 102 रुपीज, आंसर कितना आ गया 102 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैथ का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन है। आगे हम देखिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर में दिया है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 14 होल 1/2 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, स्क्वायर क्या होता है, देखिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर क्या होता है, यह देखें स्क्वायर का मतलब है कि ऐसा फिगर हो जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो, तो कह रहा है कि इस साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14 होल 1/2, इसका जो साइड है यह 14 होल 1/2 मीटर ये दिया गया है और हमको इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए 14 होल 1/2 मीटर ये भी है, ये भी कितना है 14 होल 1/2 मीटर है, यानी इसका जो 4 साइड्स दिया गया है ये 14 होल 1/2 मीटर दिया गया है, हमें इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 12 होल, इसको हम मिटा देते हैं, 12 होल 1/2 मीटर दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 14 2 जा 28,
वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29/2 मीटर। हमें ज्ञात करना है इसका पेरीमीटर, तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर का इसको देखे ये फार्मूला याद करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, क्या होता है 4 × साइड। साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अभी हमने बताया है कि इस तरह से स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और ये 4 साइड्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो 4 साइड्स को या तो हम ऐड करें अथवा हम क्या करें इनको कि 4 साइड्स में 4 का यानी साइड 1 साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 × 29/2, 2 से यहां क्रॉस करेंगे तो 2 × 4 और 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 × 2 होता है 58। ये हो गया आपका 58 मीटर, ये क्या हो गया पेरीमीटर। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। इसमें दिया है साइड्स ऑफ स्क्वायर 14 होल 1/2 मीटर, इसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया है तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं 2 है 28, 1 को ऐड किए हैं तो हो गया 29/2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले हैं तो इक्वल होता है 4 × साइड अर्थात 4 × 29/2, यहाँ 2 से 4 को कैंसिल किए हैं तो 2 × 4 और 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 58 मीटर, यह हमारा आंसर हुआ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान से सब लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 12 होल 3/4 मीटर। तो देखिए यहां दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है 12 होल 3/4 मीटर, 12 होल 3/4 मीटर। इसको करेंगे 12 × 4 = 48, 3 ऐड करेंगे तो 51/4 मीटर हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या दिया है स्क्वायर दिया है, स्क्वायर देखिए ऐसे होता है, ये हमारा स्क्वायर है ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है इक्वल होता है, जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ भी होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ये इक्वल होता है। तो इसका साइड दिया है 12 होल 3/4, 12 होल 3/4 मीटर ये भी है, 12 होल 3/4 मीटर ये भी है, ये ऊपर वाला भी है, यानी इसके जो 4 साइड्स है वो इक्वल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। यहां साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 12 होल 3/4 मीटर, इसको हम क्या किए पहले शॉर्ट फॉर्म में किए हैं तो 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, 3 को ऐड करेंगे तो 51/4 मीटर। और यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, या हम कह सकते हैं साइड का होल स्क्वायर ठीक है। और साइड कितना दिया है इसका 12 होल 3/4, जिसका आया है 51/4, तो 51/4 × 51/4 मीटर का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया 51/4, साइड दिया है दूसरा साइड वही होगा 51/4, अर्थात लेंथ और ब्रेथ इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो 51/4 × 51/4 दोनों को इस तरह से ले लेते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ क्रॉस होने वाला है कि नहीं, यहां कोई भी अंक जो है कोई भी डिजिट इसमें से क्रॉस होने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर
51 में 51 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसको ऐड करेंगे तो 1 5 5 10 जीरो हो गया, 5 1 6 2, 2601 तो हो गया आपका 2601। आप 1 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 2601/60 मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर डेनोमिनेटर दिया है या न्यूमरेटर से क्या है कम है, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं दूसरे जगह कहीं डिवाइड कर लीजिएगा इसको, जैसे 2601 में हम 16 का डिवाइड करेंगे तो 60 1 जा 60, यहां पर 10 होगा, एक जीरो ले लेंगे, अब 66 जा 36 होता है, 6 1 जा 6 और 3 9, यहां करेंगे तो 4 आएगा, फिर 1 को यहां उतार लेंगे, 16 2 जा कितना होता है 32, इसको भी सबट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ 3 में से 3 या कुछ नहीं तो हो गया आपका 162 होल 9/16, 162 होल 9/16 मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दे, दिया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 12 होल 3/4 मीटर, यहां दिया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 12 होल 3/4 मीटर, ये आपका क्वेश्चन दिया है कि इस स्क्वायर का हमको एरिया ज्ञात करना है जिसका साइड दिया है 12 होल 3/4 मीटर, तो पहले यहां लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर 12 होल 3/4 मीटर, इसको हमने क्या किया 60 किए पहले मिक्स्ड फॉर्म में, तो 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 और 3 को ऐड करेंगे तो 51/4 आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, साइड दिया 51/4, यहां भी साइड वही लिखेंगे 51/4 क्योंकि दोनों साइड इक्वल होता है, यहाँ 51 में हम 51 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कोई भी डिजिट जो है कट नहीं सकता है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई भी डिजिट शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 51 में 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2601 आएगा, तो 2601/4 4 जा 16 होगा। अब यहाँ पर 60 जो डेनोमिनेटर है न्यूमरेटर से क्या है कम है लेस है, इसको क्या करेंगे 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 10 आएगा, जीरो यहां से उतारेंगे, 16 6 जा 96 होता है, यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर से यहां से 1 को उतार लेंगे, अब यहां से 41 हो गया, 16 2 जा 32, 41 में से 32 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, तो आपका आ गया 162 होल 9/16 मीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन। 2/3 मीटर एंड 11 होल 1/2 मीटर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर देखिए क्या दिया है एरिया बताना है रेक्टेंगुलर पार्ट का, मुझे लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट है, यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर क्या होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर का फिगर बनेगा, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ दिया है 15 होल 2/3, यहाँ पर दिया है 15 होल 2/3 मीटर, और इसका ब्रेथ दिया है 11 होल 1/2 मीटर, इसका ब्रेथ दिया है ठीक है, और हमको इसका एरिया ज्ञात करना है, एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए दिया है यह एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ दिया है, यह लेंथ है, यह है लंबाई,
और इसका यह ब्रेथ है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। यह एक प्रकार का पार्क है, मान लेते हैं पार्क है एबीसीडी। एबीसीडी क्या है? पार्क है जिसकी लंबाई है 15 होल 2/3 मीटर और ब्रेथ है 11 होल 1/2 मीटर और हमें इसका ज्ञात करना एरिया। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल, कितना दिया है 11 होल 1/2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 टू जा होगा 22, 22 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23/2 मीटर। यह हमारा हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। अब इसका सॉरी यहां ध्यान दीजिए, यहां लेंथ ये दिया 15 दिया, 15 होल 2/3, यहां पर ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो गया, 15 होल 2/3 तो 15 3 कितना होगा 45 और 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47, यहां पर हो जाएगा 47/3 मीटर, ये इसका लेंथ हो गया। अब ब्रेथ यहां निकालेंगे BREATH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो ये कितना दिया है 11 होल 1/2 इक्वल, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 टू जा 22 और 1 को ऐड करेंगे तो 23/2 मीटर। इस रेक्टेंगुलर पार्क का यह लेंथ दिया है 47/3 मीटर, 47/3 मीटर, और इसका ब्रेथ दिया है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 11 होल 1/2 मीटर, 11 टू जा 22, ऊपर वाले को ऐड करेंगे जो न्यूमरेटर दिया है तो 23/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या हमको निकालना है, क्वेश्चन में हमको दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ज्ञात हो जाता है। लेंथ आप लिख लीजिए, लेंथ कितना हम निकाले 47/3, यहां पर लेंथ दिया है 47/3, ब्रेथ कितना दिया है 23/2, यहां पर दिया है 23/2, इसका भी मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे कहीं क्रॉस होने वाला हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का अगर कहीं क्रॉस होने वाला हो तो उसको क्रॉस करेंगे, अन्यथा इसको हम इसी तरह से ऊपर वाला जो अंश दिया है अर्थात जो न्यूमरेटर दिया है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर देखेंगे, अगर कुछ कटने वाला है तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो जैसे दिया है उसी तरह से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। यहां देखिए कटने वाला नहीं, क्योंकि 3 से 47 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा, यहां 2 से देखेंगे तो 47 भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटने वाला है, तो 47 में 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पर 47 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 37 जा 21 कैरी 2 होगा, 34 जा 12 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 जा 14 और 24 जा 819, यहां करेंगे तो 1 4 4 8 9 1 10, यहां पर यह आया आपका मल्टीप्लाई करने से 47 में 23 का।
आपका 1081 अपन। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना होता है 6, ये हो गया आपका मीटर का स्क्वायर। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, फिर उसी तरह से 1081 में 6 का डिवाइड करेंगे, 1081 में 6 का हम डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6, यहां कैरी कितना होगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से 8 को यहां नीचे लाएंगे, अब 6 8 जा कितना होगा 48, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब यहां से 1 को नीचे लाएंगे, लेकिन 1 को नीचे लाने पर क्या देखते हैं 6 में डिवाइड नहीं होगा, यहां पर हम क्या करेंगे 0 को बढ़ा देंगे। अब यहां हमारा हो गया 1080 होल 1/6 मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। दिया है फाइंड द, बुक में सब लोग देखें, दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 होल 2/3 मीटर एंड 11 होल 1/2 मीटर। यहां पर दिया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दिया है, यहां पर लेंथ दिया है 15 होल 2/5 मीटर, 15 होल 2/3 मीटर, यहां लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है 11 होल 1/2 मीटर, यहां पर ब्रेथ दिया है, अर्थात इसकी लंबाई दी गई है 15 से 2/3 यहां पर, और चौड़ाई दी गई है 11 से 1/2 मीटर, लंबाई और चौड़ाई इसकी दोनों दी गई है। और आपको क्या करना है, इस लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है इसी के अनुसार इसका एरिया ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, जो दिया गया पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 होल 2/3, इसको हम मिक्स किए हैं तो क्या होगा 15 3 48, 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 45, 14 3 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47/3 मीटर हो गया। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकाले हैं तो 11 होल 1/2 इक्वल हो जाएगा 11 2 22 और 1 23/2 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए अभी हम क्या बताए थे, अभी तक हमने बताया था स्क्वायर के एरिया, हम बताया थे स्क्वायर का पेरीमीटर हमने बताया था, अभी हम बताए थे कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया हमने बताया था कि साइड इंटू साइड, ठीक है, और हमने अभी पेरीमीटर इसका बताया था कि पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर का भी हमने बताया, और ये हमने किसके बताया, रेक्टेंगल का बताया, रेक्टेंगुलर पार्ट है तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इतना दिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दिया है 47/3, ब्रेथ दिया है 23/2, इसमें ऊपर नीचे कहीं क्रॉस होने वाला नहीं है तो इस ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर आया है 1081, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और यहां क्या देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, यहां पर जो हर है वो अंश से क्या है छोटा है।